सेवेंटी आर वन फाइव टू हंड्रेड एफ ये रही अपने हरा ठीक है। देखो भाई हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के टेक में। तो आप सोच रहे हो कि व्लॉग के बीच में ये कहाँ से आ गया आपका। तो बेसिकली मैं पूरे वीडियो को एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे साथ संडे राइड में क्या हुआ था। तो हम सुबह उठते हैं, बाइक वगैरह क्लीन करते हैं, थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा मार के फिर मैं बेसिकली हुआ था ये कि सुबह के बज गए थे 9:30, हमको निकलना था 6 बजे, फिर भी मैं 9:30 बजे उठा क्योंकि हम वैसे कुंभकर्ण हैं थोड़े ज़्यादा वाले। हम 9:30 बजे उठे और वीडी तो भैया सुबह से 6 बजे से कॉल करना शुरू हो गया था कि भाई कब आओगे तुम। तो वीडी बाहर खड़ा है अपने सोसाइटी के बाहर और आनंद भी आ चुका है, सिर्फ 2 बंदे आने के बाकी थे। मैं आ गया था क्योंकि अब मैं आप देख सकते हो अभी मैं अपने गली के अंदर पहुंचा हूँ। तो राज और चिराग बाकी थे सिर्फ। मैंने वीडियो को कॉल किया था पहले ही कि भैया सब आ गए हैं, तो नहीं कि राज और जो चिराग है वो दोनों बाकी हैं। मैं और आनंद दोनों सोसाइटी के बाहर खड़े और राज को कॉल किया है। राज बोल रहा है कि वो सोसाइटी के बाहर ही आ रहा है मेरी। तो फिर हम वहाँ पे खड़े रहते थोड़ी देर, फिर राज को आ रहे में देरी हो गई तो हम निकल गए। तो उतने में ही हमको बीच में ही राज मिल जाता है और ऊपर से आनंद आके बाजू में पूछता है कि भैया हेलमेट सही दिख रहा है, तो मैंने बोला हाँ सही दिख रहा है और हमको दिख जाता है भैया। सीन ये था कि जो राज था वो नाइट ड्रेस में आया हुआ था। मैं सोचा साला बाहर जा रहे हैं फिर भी ये नाइट ड्रेस में आया, क्या सीन है। तुम कोरो कोरो आया, कोरो कोरो जब आया तो मैं वीडियो को पूछता हूँ कि भैया ये ऐसा क्यों आया। तो वीडियो बोलता है कि भैया अभी उसकी मर्जी, वो जैसे आना चाहे हम उसको थोड़ी ना कुछ बोल सकते। मैं वीडियो को बोलता हूँ भैया जल्दी चलो तो हम जल्दी पहुँचेंगे, वहाँ पे जाके भी गाड़ी भी वॉश करवानी है। तो हम यहाँ से थोड़े आगे निकलते हैं और हमको पता चलता है कि पीछे की ओर ये लोग आ ही नहीं रहे, हम आगे जाके रुकते हैं। तो मेरा हर बार का रहता है मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा तो मैं साइड मिरर में देखता रहता हूँ कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। उतना में वीडियो बोलता है भाई मेरे पास आ, मैं तुझे कुछ बताता हूँ। तो मैं उसके पास जाता हूँ। गाड़ी में पेट्रोल रखा ही ना, तो हाँ नहीं आओ तो ना ना तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं रखते यार, धक्को मार रहे हो। हाँ पेट्रोल यार हम दोनों बात ही कर रहे थे कि उतने में 3-4 बच्चे आ जाते हैं हमारे पास और पूछने लगते हैं यूट्यूबर हो। तो वीडियो बोलता है नहीं हम डीसा के नहीं है, हम अहमदाबाद से भैया, मतलब कुछ भी तुझे आना पड़े अबे आपड़े जो प्रॉपर जो जवान अंबाजी जवान मंदिर में जवान घंटो वाल लाख से कलाक नहीं था अपन, अब तो 3 वागे तो रिटर्न था वाने आने को में 3 वागे डीसा ही जावाने। तो अभी आनंद जो बोला उसको भी ध्यान से याद रखना कि वो क्या बोला और ये जरूर से याद रखना। अपन 60 मिनट जीव थे अंबाजी पहुंचते आपड़े भी आए हेड से ने हो तो आए हेड से ले ले बराबर जेटलो मोड़ू करते એટલે મોડા આવી છે હેડ। हर बार की तरह ही मैं इस बार भी अपने साइड मिरर में देखता हूँ और पीछे देखता हूँ, मेरे पीछे कोई आ ही नहीं रहा, सब लोग बहुत ज़्यादा स्लो आ रहे हैं।
वैसे मैं वैसे भी स्लो चलता हूँ बट कभी कभार मैं खींच लेता हूँ, बट इस बार भी देखता हूँ तो कोई मेरे पीछे आ नहीं रहा था, वो बातचीत करते करते आ रहे थे, तो आनंद और विडी तो फिर भी मेरे से आगे निकल जाते। फिर राज भैया तो भी मतलब कौन से मूड में आ रहे थे पता ही नहीं चल रहा था, 390 होने के बावजूद भी इतने स्लो आ रहे थे, क्या बताऊँ मैं। अब मेरे बाजू में आते वो डीपर दे रहा था, मेरे को पता चल गया तारा डीपर नो संकेत मिली गयो, तारा डीपर नो संकेत मिली गयो। ना ये गाड़ी वॉश करवा जावी खाली पालमपुर थी, पालमपुर थी नजीक पड़े, चित्रा साड़ी वाला लॉन्ग थी क्या हम। जैसे ही दीपक होटल पहुंचते तो हमको पुलिस दिख जाती है, पर हमको कोई ऐसा प्रॉब्लम जैसा था नहीं, बट पीढ़ी को थोड़ा घबराहट हो गई और हड़बड़ाहट में सीधा निकल गया। ए पुलिस वाला बदल लो केडी टाइम पीछा दिया पीढ़ी हमें अलग कदम फांसी तो दे देवा 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 पर बड़ी गया। हमने गाड़ी वॉश करवा ली, मतलब बाइक वॉश करवा के आगे निकले, आंटी जी मेरे को देखने लगे पता नहीं क्यों। तो वीडियो मुझे बोला कि भैया थोड़ा आगे रोक दो, उसको कुछ बात करनी है, तो राज को बात करने के लिए हमने बाइक साइड में किया, रुका और मैंने हेलमेट का याद दिलवाया उनको। हेलमेट क्यों है, अब क्या सीन हो गया भाई, क्या सीन हुआ, बंद है ला बंद है पर तमर कॉन्स्टेंट हेड ऊपर से तमे वच्चे रोलावड़ा नहीं करी वो। हां आपड़े तो फटाफट थोड़ा छोड़ो तो कर ही ना राज में रुपए हेलमेट ले 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 तू तारो ल गॉड मात लात मेलो मार हेलमेट एडमिन मा जोड़े हां तो लेतो है वो तो नहीं तू एमने में कपड़ा हरा पहरी ना आवजे सोला એટલે આગે ને આજે આજે પાછો ગયો तो बहुत ही बिग लागे हम बापो छोटी है बापो पुलिस वाला लेड़ा अपने राज में दे। तो आखिरकार 45 मिनट्स के बाद राज भैया आ जाते हैं, अपने जे के अपने ये बोलते हैं वी आर रेडी टू गो एट अंबाजी, हम जा रहे हैं। तो अभी जो आपने लाइन सुनी उसको याद रखना और आगे बताता हूं क्यों। हम जा रहे हैं वीडी राज और ये मेरे चश्मे किधर है, हमारे हमारा राज्य में टॉप गियर में हेड ऊपर से RC 390 R15 200 F, ये रही अपने RRC पे, अब जाएंगे अंबाजी के। चलो चलो भाई छपोगे क्यों डर, अपने हेडो ही आपसे क्या करे, आदत से मजबूर है, साइड मिरर के बिना हमारा चलता नहीं है। નીકળવા જેવું ના, આગળ રોડ નું કામ ચાલુ છે, એટલે રોડ નું કામ ચાલુ છે, નહીં નીકળે નહીં 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 નીકળવા
हम पालनपुर पहुंच चुके हैं अभी, पहुंच चुके हैं, अब जाएंगे यहाँ से कहाँ पे जाएंगे? तो यहाँ पे हम पालनपुर तो पहुंच जाते हैं, बट यहाँ पे आके हमारा मन चेंज हो जाता है और हम सोचते हैं कि यहाँ से हम जाएंगे आबू रोड। तो बेसिकली आरटीओ सर्कल पे जाने के बाद हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे आबू रोड, रबी खा के वापस डिसा को आ जाएंगे। बट वहाँ पे भी जाके हमारा प्लान चेंज हो जाता है और हम कहाँ जाते हैं वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली मैं और राज दोनों पीछे थे और वीडी और आनंद दोनों आगे थे और मेरे साथ चिराग भी था, हम तीनों पीछे थे, बट ये आनंद और ये वीडी दोनों स्पीड में आगे निकल गए थे। सो यहाँ पे मैं वीडी को बोलता हूँ तेरा चेन थोड़ा लूज है, तो मैंने बोला ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर सीन ये होता है कि उस टाइम जब मैं राज और जब चिराग पीछे थे, तब एक 125 सीसी एक्टिवा वाला हमारी साइड मारने के लिए पूरा थ्रॉटल देके भगा रहा था। आई थिंक सो वीडियो होगा मेरे पास, मैं डाल देता हूँ। तो उस सीन के चक्कर में वी आर लाफिंग। सो राज जब उसकी साइड मारने जा रहा था, तब अचानक से ही उसके चक्कर में आगे खड्डा आ गया, तो वो मेरे को बता रहा था कि भाई ऐसा सीन हो गया। सो कोई भी हमारा वीडियो देख के इस टाइप से मतलब सोच के कि ये भी ऐसे हाई स्पीड में चल रहे, तो बेसिकली हमारे पास प्रॉपर सारे गियर्स रहते हैं। बिना हेलमेट के हमारे ग्रुप में कोई भी होता है तो हम उसको ज़्यादातर टाइम पे राइड पे नहीं ले जाते हैं उनको हमारे साथ, क्योंकि वो रिस्की रहता है। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि हेलमेट की वजह से आपका बचाव हो जाता है, बट अगर आपके पास हेलमेट नहीं रहता है तो आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपको ज़्यादा चोटें आए। और वी मोस्ट ऑफली रिकमेंडिंग लाइक वी नीडेड दी ग्लव्स एंड ऑल द एक्स्ट्रा एक्सेसरीज फॉर दी राइड। इफ यू आर थिंकिंग ये राज ऐसा करके स्टंट कर रहा है, नहीं भैया, गांड दर्द करने लगती है लॉन्ग राइड पे, दैट्स वाई वी आर स्टैंड ऑन द बाइक। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे वीडी पेट्रोल भरवाने गया है, यानी कि विष्णु, और चिराग भी बोल रहा था कि मैं अभी जाके वो पानी पीना है, तो मैंने बोला नहीं भैया पानी मेरे बैग में है, और आनंद को मैं बोलता हूँ तू यहाँ पे रुक, हम तीनों निकलते हैं। बट थोड़ा ही आगे जाने के बाद हमारे चिराग भैया बोलते हैं कि मैं भी पेट्रोल भरवा के आ जाता हूँ साथ साथ में, तो वो पेट्रोल भरवाने जाता है, तो मैं ब्रेक करता हूँ, बट वापस से मैं निकल। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आगे कोई होटल वगैरह हो तो वहाँ पे रुकते हैं, तो बेसिकली मैं और राज थोड़े स्पीड में आगे निकल जाते हैं। हम पूरी राइड के अंदर सिर्फ हम दो, मैं ही स्लो चल रहा था सबसे ज़्यादा, और 200F दूसरे सारे 100+ थे। यहाँ पे हमको एक तिरंगा करके होटल भी मिलता है, बट ये बंद था, तो मैं और राज वहाँ से भी आगे निकल जाते हैं और एक आगे पुल पर जाके खड़े हो जाते हैं थोड़े स्टोरी वोरी इंस्टा के शूट करने के लिए। तो आगे जाके हमारे से आगे वीडी और आनंद निकल जाते हैं और 200F और हम तीनों साथ में चलते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, तो हमने उसको भी कवर अप किया है, पता नहीं कैसे हुआ था, बेसिकली टायर वायर फट गया होगा ऐसा कुछ सीन रहा होगा। और मेरे को कॉर्निंग करने में इस बाइक में अभी भी डर लगता है, क्योंकि हाँ है इसमें कैपेबल है मेरा बाइक, पर भी मैं ऐसे रिस्क नहीं लेता कभी भी। और यहाँ पे ये इटियोस वाला हमसे रेस लगा रहा था, मतलब कि मेरे बाजू में आके थोड़ा बहुत वो नखरे वखरे कर रहा था, दैट्स व्हाई उसको अपनी औकात दिखा दी कि तू इटियोस में है भैया और हम बाइक पे है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं। और आप भी कभी भी ऐसा ट्राई ना करें, फिर भी तो थोड़ी बार थोड़ा टाइम चल लेता है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे राज को बता दूँ आगे बहुत सारे ट्रक पड़े हुए हैं, वहाँ पे हमको होटल पे रुकना है, और यहाँ पे मैं जैसे एक्स्ट्रा होटल देता हूँ मेरा टायर पीछे से घूमने लगता है, तो यहाँ पे हम रीच हो जाते हैं होटल के ऊपर। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए थे गाइस, और अबे पहुँच चुके हैं यहाँ पर, बीच खड़ी है 120 एंड गाड़ी तो यहाँ पर है पुश, तो ये वैसे चल रही थी गाइस 148 और मेरी चल रही थी 150 पूरी, और कृष्णा तो पीछे क्या कर रहा था मालूम नहीं मुझे, लेकिन मज़ा वैसे अल्टीमेट आ गया गाइस, एक नंबर बॉस, एक नंबर, क्या बताएं। सो यहाँ से आगे जाते ही हमारा जो आबू है माउंट आबू, यहाँ से ज़्यादा नहीं 10 या 20 किलोमीटर ऊपर था,
और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत रेव करवाते हैं बाइक को फॉर दी टेस्टिंग। सो बेसिकली यहाँ से थोड़ा आगे जाता है हमारा माउंट आबू शुरू हो जाता है और यहाँ से हमारी शुरू होती है लीन गेम और आगे आपको देखने को मिल जाएगा कि इंसिडेंट। तो वीडियो में बने रहिए। फाइनली वी आर गोइंग टू माउंट आबू बिना कोई वो हुए। यहाँ पे हम सब लोगों की लीन गेम जो थी वो स्टार्ट हो जाती है, बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि मैं कभी माउंट आबू बाइक लेके आया नहीं और यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे टर्न है वो भी मेरे को नहीं पता था। बट आप आगे वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे जो राइडर्स लोग हैं वो कितना जोश में आके चल रहे हैं। जो हमारे जो मोस्ट ऑफ राइडर्स है वो सारे के सारे माउंट आबू विजिटर है, मतलब सारे के सारे राइडर्स है, वो पहली बार कोई भी ऐसा नहीं था कि माउंट आया हो, वो सब एक बार आगे आके गए हुए हैं वो भी बाइक पर। सो आप यहाँ पे वीडियो इंजॉय कीजिए। क्या हुआ था और ये बंदा गिरा कैसे और ये कौन गिरा है, वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा ये विष्णु भैया है, विष्णु भैया ही गिरे हैं। तो एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो कीप वॉचिंग। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।